ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सोचना है ये सुख बहुत ज्यादा प्राप्त करना है, क्या करेंगे? पसंद है अपने जीवन को वैल्यू देना? अगर आपको समस्याएं हैं, अगर आपको बंधन हैं, माताओं को बंधन बहुत रहते हैं, कुछ ने खुद को बांधा हुआ है, कुछ को बंधनों ने बांधा हुआ है, क्या हाल है माताओं का बोलो? कुछ को खुद ने बांधा हुआ है, सबसे बड़ा बंधन संकल्पों का ही तो है। एक बहन का फोन आ गया, आज किसी का फोन नहीं आ रहा था, मैं सोचा ये नेटवेट बंद है, यहाँ अच्छा शांति है। आते आते एक का फोन आया अमेरिका से, मैं बहुत दुखी हूँ भाई जी। क्यों दुखी हो? 6 मास पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, अब झगड़े हो रहे हैं बहुत। मैंने कहा ठीक है, वो तो अब तुमने प्यार किया है, अब तुम जानो, मैं उसमें क्या करूँगा भाई। मैंने कहा क्यों झगड़े? पति शराब, वो सिगरेट बहुत पीता है, इस पे झगड़ा है। सोच लो अब आप, मैं केवल आपको इसलिए सुना रहा हूँ, पति सिगरेट पीता है। मैंने कहा अरे पीने दो ना, क्यों झगड़ती हो उससे? वो कहती नहीं पीना है घर में, क्यों पी के आए, बिल्कुल बंद करो, उससे रोज झगड़ती है और कह रही है कि पति मुझे तंग करता है। देखो समस्या। मैंने उसको समझा छोड़ दो ना, पीने दो बेचारे को, सुख से तो रहो। तो कहाँ बंधन हुआ? मनो सपने को खुद ही बांधता है, खुद ही परेशान करता है, खुद ही गिराता है, खुद ही चढ़ा। समझ लेने की है, ठीक है या नहीं? माताओं को बंधन रहा, बाबा के समय से रहा, 60 साल से रहा। कई माताएं बाथरूम की लाइट जला के मुरली पड़ती थी। मैं आपको एक हंसी की कहानी सुना दूं, गीता बहन के गांव की है, गीता पाठशाला इनके घर में। पति माता जी को आने नहीं देता था, एक दिन दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया अंदर से। तो देखो माताएं, माताओं की सोच लो, बंधन है या क्या है? अभी वो ताला बंद करके अपने कमरे में बैठ गया, मज़े से हुक्का पी रहा है। अब तो जाएगी नहीं, देखता हूँ क्या करेगी। माताजी ने देखा वो सीढ़ी होती है गांव में, ये बांस की सीढ़ी लगाई, अपनी छत पे चढ़ी, सीढ़ी ऊपर खींची, दूसरी तरफ नीचे गिराई, नीचे उतरी, आ गई क्लास करने, क्लास करके गई, सीढ़ी लगी हुई थी वापस चढ़ी, सीढ़ी इधर लगाई, वापस उतरी। तब तक उसके क्रोध का पारावार नहीं था, पति के बुजुर्ग था वो भी, वो बुग्गी होती है जिस पे गन्ना लाते हैं, उसमें डंडे से होते हैं मोटे मोटे, एक निकाला उसकी कमर में जोर से मारा, और वो सीधी हो गई, टेढ़ी चलती थी, कमर दर्द ठीक हो गया। का एक और मार दो बस ठीक हो जाएगी, हाथ जोड़ने लगा तुमसे भगवान बचाए। अब बोलो बंधन है या नहीं? मन कमजोर है तो बंधन है, मन शक्तिशाली है तो 1000 मार्ग हैं। मैं कन्याओं को कहा करता हूँ, सुन ले कन्याएं, बात तो थोड़ी सी भारी है। मैं कहा आजकल की कन्याएं गलत काम करने में माँ बाप की चिंता नहीं करती हैं, ठीक बात है? और तुम भगवान के कार्यों में लगने में क्या क्या सोच रही हो? जब वो अपवित्रता का मार्ग चुनने में किसी की नहीं सोचती, माँ को रोती छोड़ के चली जाती है, तो तुम पवित्रता के मार्ग पर चलने में रुक क्यों रही हो? सोचने की बात है ना। बंधन केवल मन का है। मन शक्तिशाली हो
तो कोई बंधन नहीं है।